नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इस वक्त मुझे जी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ संजय। आज चर्चा एक ऐसी खबर की करेंगे जो राजस्थान में पिछले 16 दिन से अधिकारियों के लिए गले की फांस बनी हुई। सवाल ये नहीं कि अधिकारियों के गले की फांस है, सवाल ये है कि अधिकारियों की इच्छा शक्ति को साफ तौर पर दर्शाती है। एक डेड बॉडी, एक मजदूर की डेड बॉडी पिछले 17 दिनों से कुएं में दबी हुई है। अधिकारी दावा कर रहे कि पहले दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे, उस डेड बॉडी को निकालने के लिए काम किया जा रहा, लेकिन कौन सा ऐसा तरीका निकाला जा रहा है कि पिछले 17 दिनों से एक मजदूर की डेड बॉडी अभी तक बाहर नहीं निकाल पाए। क्या इसी के जगह किसी रसूखदार की डेड बॉडी होती, किसी पैसे वाले की डेड बॉडी होती, किसी अमीर की डेड बॉडी होती, किसी रुतबेदार की डेड बॉडी होती, तभी अधिकारी यही एक्सक्यूज देते। आज मेरे साथ वैसे तो एसडीएम जुड़े थे, लेकिन एडीएम साहब का वहां के बयान, पाली के बयान आया है। उन्होंने कहा कि मीडिया इस बात को तिल का तार बना देती है। अरे सवाल साहब आपसे है कि जो डेड बॉडी कुछ घंटों के भीतर रेस्क्यू करके निकल जानी चाहिए थी, उस डेड बॉडी को 17 दिन बीत गए और आप निकाल नहीं पाए। आप कहते हैं मीडिया तिल का तार बना रहा है। बीरबल की खिचड़ी जैसे हालात आपने बना दिए। मीडिया पे आप भड़क रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और सवाल ये कि एक मंत्री के दौरा करने के बाद मंत्री खुद हैरान हो जाते हैं, विधायकों की आप लोग सुनते नहीं हैं और मीडिया पर भड़ास निकालते हैं। इसी तरीके से सिरोही की एक घटना सामने आई। 2 दिन हो गया, उस कुएं में भी मजदूर की डेड बॉडी पड़ी है। मजदूर है साहब जो हमारी आपके जिंदगी के लिए, बिल्डिंग के लिए, हमारी ख्वाहिशों के लिए अपना पसीना बहाता है, लेकिन आप लोग एसी कमरों से निकलेंगे तब तो पूरे मामले पर कोई कदम उठाएंगे। क्या फर्क पड़ता है, मजदूरी तो मरा है। 17 दिन हो गए एक तरफ पाली वाली घटना में, 2 दिन हो गए सिरोही वाली घटना में, और अधिकारी एक्सक्यूज दे रहे कि हमारे पास पैसे नहीं है, बजट नहीं है, संसाधन नहीं है। किस बात की जिम्मेदारी आप लोग निभा रहे हैं? सोचिए, मानवीय संवेदनाओं का कितनी बुरी तरीके से हत्या की जा रही है। इन अधिकारियों से कोई सीख? वो परिवार चीख चीख कर कह रहा कि हमारे भी परिवार के सदस्य का अंतिम संस्कार करने का हमें हक है। 17 दिन हो गए डेड बॉडी उसी में सड़ गल के बर्बाद हो रही है। अधिकारी एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं। धर्म की बातें करते हैं बड़ी बड़ी हम। डेड बॉडी रात को नहीं जलानी चाहिए, शाम को नहीं जलानी चाहिए, ऐसे संस्कार होना चाहिए। 17 दिन बीत गए, आप इमेजिन करिए 17 दिन बीत गए, कुएं के भीतर 90-100 फीट की गहराई में वो डेड बॉडी पड़ी है और अधिकारी मस्त है। ऐसे में बेहद गंभीर सवाल, इन अधिकारियों को जगाने के लिए आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा? मंत्री आए, दौरा करके चले गए साले मोहम्मद। क्या वाकई में इस राज्य में, इस देश में गरीबों की कोई नहीं सुनने वाला? गरीब मरे या जिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? इन अधिकारियों को मोटी मोटी तनख्वाह दी जाती है, बड़े बड़े ओहदे दिए गए हैं, क्या सिर्फ बहाने बनाने के लिए? सवाल बेहद गंभीर, गरीबों की कौन सुनेगा? इस मजदूर की क्या गलती है, उसके परिवार की क्या गलती है? 17 दिन से जो बाढ़ जो रहा कि अधिकारी डेड बॉडी निकाल लेंगे, लेकिन अधिकारी है कि बहाने पे बहाने दिए जा रहे हैं। सोचिए, समझिए और जिम्मेदारी तय करिए। नमस्कार।